वेलकम बैक गाइस, आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं पोकेमॉन के कुछ मिस्टेक स्लैश एरर्स के बारे में। ये वीडियोस भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है, तुम लोग को भी बहुत मज़ा आता है, सो मैंने सोचा चलो भाई मिस्टेक पर वीडियो बनानी चाहिए। और हाँ, आज की वीडियो में मैं अकेला नहीं होने वाला, ये वीडियो है एक कोलैब वीडियो पोकेमॉन 2 के साथ में। वेल हे गाइस, मैं हूं पॉकेटॉन 2 एंड आज का ये वीडियो मेरा और आई एम पॉकेट यूबर का कोलैब वीडियो होने वाला है। और हाँ, साथ में इन सारे मिस्टेक्स को ढूंढने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। नंबर वन, तो गाइस सिनो रीजन के अंदर जब फाइनल्स में ऐश वर्सेस टोबियास की बैटल हो रही थी, तो वहाँ पर तुमको याद ही होगा ऐश ने कौन से पोकेमॉन्स को यूज़ किया था। लेकिन तुमको याद होगा उसने मिस मैगियस को कभी यूज़ नहीं किया था और ना ही उसके पास कभी मिस मैगियस था। लेकिन यहाँ पर स्कोर बोर्ड में तुम लोग देख सकते हो मिस मैगियस पोकेमॉन दिखाया गया उसके साइड पर। नंबर टू, इस वाले सीन में तुम जरा ऐश की आंखों को ध्यान से देखो भाई, इसकी आंख थोड़ी थोड़ी रेड दिखाई गई है, पर जबकि उसकी आंख तो भाई रेड है ही नहीं बिल्कुल भी। नंबर थ्री, तो ये मिस्टेक पोके को इसकी है, यहाँ पे भाई पूछा गया था ये कौन सा पोकेमॉन है और हमको हिंट में बताया गया था कि ये जोटो का सबसे भारी पोकेमॉन है, पर भाई ये मैंटाइन है जो कि जोटो का सबसे भारी पोकेमॉन नहीं है, इससे भी भारी स्टीलिक्स है जोटो में, तो ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। नंबर फोर, तो यार हमेशा ऐश के गालों पर जो निशान रहता है हम लोग सोचते रहते हैं ये क्या है, लेकिन इस सीन में देखो भाई यहाँ पर तो वो निशान ही गायब कर दिया पोकेमॉन कंपनी वालों ने, तुम लोग देख सकते हो इमेज में। नंबर फाइव, तो ये मिस्टेक जोटो लीक से है, यहाँ पर तुम देख सकते हो ब्लेजिगन का पूरा हाथ रेड कलर का कर दिया है, जबकि भाई उसका हाथ कुछ इस कलर का होता है। कलरिंग मिस्टेक भाई सबसे कॉमन है पोकेमॉन में। नंबर सिक्स, ये इलेक्ट्रिक शॉक शोडाउन वाले एपिसोड से है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये बैंडेज पिकाचू के भाई गाल पे जो रेड रहता है उसको पूरा ढक दे रहा है, लेकिन अगले सीन में यहाँ पे तुम देख सकते हो ये रेड कलर वाला मार्क दिख रहा है। नंबर सेवन, इस एपिसोड में गैरी जो है भाई वो बोलते हुए मियोट को देख के चौंक जाता है, यानी कि टीम रॉकेट वाले मियोट को देख के काफ़ी चौंक जाता है कि भाई मियोट कैसे बोल रहा है, जबकि भाई इससे कुछ एपिसोड पहले ही भाई उसने विरिडियन सिटी में देखा था इसी मियोट को। नंबर एट, तो ऐश के ऑरेंज आइलैंड कंपेनियन ट्रेसी को सब लोग जानते होंगे, इसका बैंड तुम लोग देख सकते हो ये कुछ ऐसा पिंक कलर में रहता है, लेकिन भाई इस सीन के अंदर इसका बैंड ग्रीन कर दिया गया है बिल्कुल इसके कपड़ों की तरह। नंबर नाइन, तो ये टाइसन का मियोट है और इस सीन में तुम लोग देख सकते हो टाइसन के मियोट का जो मुंह है वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, तुम लोग साफ साफ देख सकते हो इस इमेज में। और ये तो भाई एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि कलरिंग वगैरह की मिस्टेक तो फिर भी भाई होती रहती है नॉर्मली, लेकिन यार ये तो काफ़ी बड़ी मिस्टेक है। नंबर टेन, तो ये ऑरेंज आइलैंड का वो एपिसोड है भाई जहाँ पे चार्जर्ड ऐश की बात मानने लग गया था फाइनली, तो इस एपिसोड में भाई ऐश चार्जर्ड की पीठ पे बैठा रहता है और तभी वो बोलता है वो टीम रॉकेट की मशीन को तोड़ने के लिए, और जैसे ही भाई हमको चार्जर्ड उसको तोड़ते हुए दिखाया जाता है, ऐश जो उसकी पीठ पे बैठा था वो गायब भी हो जाता है अचानक से। नंबर 11, तो यार इस एपिसोड में टीम रॉकेट इस कैमरे वाले लड़के को फोटो दिखा रही होती है ऐश और पिकाचू की, और यहाँ पर तुम देख सकते हो ऐश और पिकाचू की फोटो में, तुम समझ जाओगे भाई क्या मिस्टेक है, पिकाचू के भाई वो निशान ही नहीं है उसके पीठ पे। नंबर 12, तो ये भाई सिनो का एपिसोड है, यहाँ पे पॉल और सिंथिया की बैटल चल रही होती है, सिंथिया का गार्चुअम और पॉल का टॉर्टेरा, और यहाँ पे तुम देख सकते हो टॉर्टेरा के सर पे भाई यहाँ पे ब्राउन कलर हो गया है, जबकि भाई उसका पूरा सर ग्रीन होता है, तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो फर्क समझ में आ जाएगा। नंबर 13, तो ये भाई कैंटो का एक एपिसोड है, इस सीन में क्या होता है ब्रॉक ना ऐश को धक्का मारता है साइड में और ऐश थोड़ा सा साइड में जा रहा होता है और अचानक से भाई ऐश लिटरली फ्रेम से ही गायब हो जाता है। नंबर 14, मियोट की टेल का कलर ऑरेंज होता है लेकिन यहाँ पे उसकी बॉडी वाला ही कलर हो गया है, तुम इमेज में देख सकते हो। नंबर 15, तो ये भी एक स्कोर बोर्ड की गलती है, यहाँ पे ऐश और पॉल की बैटल चल रही होती है और पॉल का पोकेमॉन होता है हॉर्नक्रो और ऐश का होता है ग्रॉटल, लेकिन तुम स्कोर बोर्ड में देख सकते हो वहाँ ऐसा दिखा रहे हैं कि पॉल अभी इलेक्टाबस को यूज़ कर रहा है, जबकि इलेक्टाबस को वो उससे पहले यूज़ कर रहा था। मिस्टेक नंबर 16, तो ये पोकेमॉन जर्नीज का फर्स्ट एपिसोड है, यहाँ पे भाई इस सीन में तुम लोग देख सकते हो पहले 8 बच्चे खड़े होते हैं लेकिन जब कैमरा एंगल चेंज होता है तब भाई यहाँ पे 9 बच्चे आ जाते हैं, तो ये भी एक मिस्टेक है। नंबर 17, तो इस वाले सीन में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे गो ने अभी भी अपनी नाइट ड्रेस ही पहनी हुई है और तभी वो अपने फ़ोन में कुछ तो देखता है और भागता है सीधे साकुरागी की लैब में और वो इन्हीं कपड़ों में चला जाता है, लेकिन लैब में पहुँचने के बाद भाई गो के कपड़े बदल जाते हैं, हालांकि ऐश के कपड़े वही होते हैं। नंबर 18, तो भाई इस सीन में पिंसर के रॉक टूम्ब अटैक के अंदर फंस जाते हैं ऐश और पिकाचू और तुम देख सकते हो इसमें से निकलने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन जब यार गलती से गो जो है वो पकड़ लेता है पिंसर को, तब जब उसके पोकेडेक्स में वो एंटर हो रहा होता है तब भाई पीछे खड़े होते हैं ऐश और पिकाचू, भाई ये निकले कैसे उसमें से। नंबर 19, इस सीन में तुम लोग देख सकते हो ये प्रोफेसर ने कोई भी कोट नहीं पहना हुआ, लेकिन अगले ही सीन में अचानक से इनके पास एक कोट आ जाता है। नंबर 20, इस एपिसोड में तुम देख सकते हो भाई जैसी ने कोई भी इयर रिंग्स नहीं पहनी हुई अपने कान में, लेकिन अगले ही सीन में अचानक से उसके कानों में इयर रिंग्स आ जाती हैं पता नहीं कैसे। नंबर 21, इस सीन में भाई स्कॉर्बनी मजे से पानी के अंदर खेल रहा है, जबकि भाई वो एक वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि पानी से वीक होते हैं। नंबर 22, इस सीन में तुम लोग स्वैबलो की बीक को देख सकते हो जो कि भाई येल्लो कलर की कर दी गई है, जबकि उसका कलर येल्लो नहीं होता।
नंबर 23, इस सीन में भाई मिस्टी के टॉप का बैंड जो है उसका कलर ही बदल जाता है, जो कि ऑरेंज रहता है पर यहाँ पे ब्लू हो जाता है। और नंबर 24, यहाँ पे तो भाई इसका बैंड ही गायब हो जाता है अचानक से, तुम देख सकते हो। नंबर 25, भाई ऐश की टोपी तो अलग ही है, कभी आगे से वाइट हो जाती है, कभी पीछे से वाइट हो जाती है, कभी कहीं से रेड हो जाती है, भाई पता ही नहीं चलता इसका तो। मिस्टेक नंबर 26, पॉकीमोन के सबसे पहले एपिसोड यानी कि आई चूज यू में ऐश अपने स्टार्टर पॉकीमोन को चुन रहा होता है सपने में, तभी उसकी पॉकीबॉल पूरी तरह से रेड होती है, बल्कि पॉकीबॉल रेड एंड व्हाइट कलर की होती है। बात करें मिस्टेक नंबर 27 की, तो जब ऐश अपने स्टार्टर पॉकीमोन को चूज करने जाता है तो वहां पे उसको तीनों पॉकीबॉल्स खाली दिखते हैं, यानी कि किसी ना किसी ने उसको ले लिया था। बट यहां पे मिस्टेक ये है कि अगर तीनों स्टार्टर पॉकीमोन को ले लिया जा चुका है तो उनके पॉकीबॉल्स भी उनके ट्रेनर के साथ होने चाहिए, ना कि यहां पे रखे होने चाहिए। मिस्टेक नंबर 28 आती है पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के एपिसोड 4 से। तो जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, डॉन के हेड पर दो सिंबल्स होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है, बट इस एपिसोड के एंडिंग में डॉन के नीचे वाला सिंबल गायब हो जाता है, बल्कि ऊपर वाला वैसे ही होता है। मिस्टेक नंबर 29, पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल में बनारी पिपलप से फाइट कर रही होती है, तभी हमें ऐश एंड पिकाचू देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पिकाचू नीचे होता है, ना कि ऐश के कंधे पे होता है। बट इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पिकाचू ऐश के कंधे पे बैठा है, इतना ही काफी नहीं है तो उसके अगले सीन में पिकाचू वापस से नीचे आ जाता है। मिस्टेक नंबर 30 भी इस एपिसोड से आती है, जहाँ पे एपिसोड के स्टार्टिंग में ऐश उठ जाता है एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऐश ने सॉक्स पहने हुए हैं। बट जब ऐश टेंट के पास पहुंच जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि ऐश ने कुछ भी नहीं पहना, यानी कि वो बैरफुट है। और इतना ही काफी नहीं है तो अगले सीन में हमें ये भी दिखाया जाता है कि ऐश ने जूते पहन लिए हैं। मिस्टेक नंबर 31, होइन के एक एपिसोड में ऐश जो अपने जैकेट के अंदर टी शर्ट पहनता है वो मिसिंग थी। मिस्टेक नंबर 32, सिनोरिजन के एक एपिसोड में पिजॉट का बैक थोड़ा सा अलग दिखाया जाता है, जहाँ पे नॉर्मली वो ऐसा दिखता है, बट इस एपिसोड में उसका पूरा बैक येलो होता है। मिस्टेक नंबर 33, पोकेमॉन की मूवी म्यू टू स्ट्राइक बैक के अंदर एक ट्रेनर बोलता है कि मेरे पास सारे के सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स है, बट उनमें से एक नीडोक्वीन भी होता है जो कि वाटर टाइप नहीं है। और एडिशनली आगे के एक सीन में हमें नीडोक्वीन ब्लू के जगह पे पर्पल दिखाए जाते हैं, जो कि नीडोकिंग का कलर है, ना कि नीडोक्वीन का। मिस्टेक नंबर 34, तो जब पोकेमॉन के फर्स्ट एपिसोड में ऐश हो को देखता है तो उसकी हेड पीछे की तरफ होती है, बट जब ऐश उठ के आगे बढ़ने लगता है तो उसकी हेड वापस से आगे की तरफ हो जाती है, तो हो सकता है कि इतने टाइम में उसने आगे कर ली हो। बट जब आगे के सीन में ऐश विरिडन सिटी को देख रहा होता है तो उसकी हेड वापस से पीछे की तरफ हो जाती है। और अगर इतना ही काफी नहीं है तो जब इसी सीन को पीछे के कैमरा एंगल से दिखाया जाता है तो ऐश की हेड वापस से आगे की तरफ होती है। मिस्टेक नंबर 35, होइन के एक एपिसोड में मिस्टर मैम का शो चल रहा होता है, जहां पे ऐश में मैक्स एंड ब्रॉक बैठे हुए होते हैं, और पीछे के कैमरा एंगल से देखने में यहाँ पे काफी सारे डिशेस रखी हुई है खाने के लिए, बट अगले सीन में जब आगे से दिखाया जाता है तो सारी डिशेस गायब हो जाती हैं। मिस्टेक नंबर 36 भी इसी एपिसोड से आती है, जब टीम रॉकेट जियोवानी को कोई पोकेमॉन देने का सोच रही होती है तो हमें जियोवानी दिखाया जाता है जिसके उंगली पे चोट लग जाती है, बट यहाँ पे मिस्टेक ये है कि जियोवानी के यहाँ पे 7 फिंगर्स होते हैं। मिस्टेक नंबर 37 आती है होइन के एपिसोड 141 से, जहाँ पे टीम रॉकेट चायमेको का बलून लेके आई हुई होती है, बट जब हमें यही सीन पास से दिखाया जाता है तो चायमेको का बलून म्याउथ के बलून में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि काफी बड़ी मिस्टेक है। मिस्टेक नंबर 38, जब चार्जार्ड और आर्टिकोनो की बैटल हो रही होती है तो आर्टिकोनो आइस बीम का इस्तेमाल करके चार्जार्ड के विंग्स को जमा देता है साइड से, बट जब चार्जार्ड हमें दोबारा दिखाया जाता है तो उसके विंग्स से वो बर्फ गायब हो जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद वापस से वही बर्फ चार्जार्ड के विंग्स पे वापस आ जाती है। मिस्टेक नंबर 39 उस एपिसोड से आती है जब ऐश एक बैटल फ्रंट टायर से बैटल कर रहा होता है, उसका वीनस और हेराक्रॉस को सोलार बीम मार देता है, एंड फिर हमें ऐश का रिएक्शन दिखाया जाता है जहां पे उसके जैकेट के अंदर की टी शर्ट वापस से मिसिंग होती है। मिस्टेक नंबर 40, कडाबरा के टेल पे दो स्ट्राइप्स होती है, बट ऐश वर्सेस सबरीना बैटल के अंदर हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि कडाबरा के टेल में एक ही स्ट्राइप है दो के बजाय। मिस्टेक नंबर 41, इसी एपिसोड के अंदर जब ऐश का पिकाचू बैटल करने जाता है कडाबरा से तो ऐश के आंखों का कलर कुछ अलग दिखाया जाता है नॉर्मल से, जो कि ब्राउनिश कलर का होता है। मिस्टेक नंबर 42 आती है पोकेमॉन के एपिसोड पोकेमॉन सेंट सेशन से, जहाँ पे ऐश जब एरिका से बैटल करने वाला होता है तो उसकी हेड बैकवर्ड होती है, यानी कि पीछे की तरफ होती है, बट जब ऐश बल्बसोर को सेंड करता है नेक्स्ट सीन में तो उसकी हेड आगे की तरफ दिखाई जाती है। बात करें मिस्टेक नंबर 43 की, तो पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल के एपिसोड 20 में हमें टीम रॉकेट और उसके सारे पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं, और ध्यान से देखना यहाँ पे मायम जूनियर वोबोफेट एंड सवाइपर सबके सब प्रेजेंट होते हैं, बट जब इन सबके ऊपर अरियाडोस अटैक करता है तो ये लोग कुछ दूर जाके गिरते हैं एंड उसी के बाद ये सारे पोकेमॉन्स गायब हो जाते हैं, एंड तभी से ये पूरे एपिसोड के अंदर देखने को नहीं मिले थे। मिस्टेक नंबर 44, तो सिनोरिजन के एपिसोड 24 में हमें एक सीन के अंदर डॉन के जो बूट्स होते हैं उस पे व्हाइट कलर की स्ट्राइप दिखाई जाती है, बल्कि डॉन के बूट्स या फिर जूते का कलर पूरी तरह से पिंक होता है एंड यहाँ पे व्हाइट स्ट्राइप नहीं होनी चाहिए थी। मिस्टेक नंबर 45, तो सिनोरिजन के एपिसोड 34 के अंदर एक सीन में जोई का एक हाथ गायब हो जाता है। मिस्टेक नंबर 46, तो एपिसोड 42 के अंदर ऐश इलेक्ट्राइक के अटैक से बच रहा होता है एंड उसके पास ग्लव्स नहीं होते हैं, बट जब आगे जैसे इलेक्ट्राइक को पकड़ लेते हैं तो ऐश के हाथ में ग्लव्स वापस आ जाते हैं, और जैसे कि हमें पता है आगे के सीन में जब इलेक्ट्राइक इवॉल्व
हो जाता है तो ऐश के ग्लव्स वापस से गायब हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 47, तो अ ग्रफ एक्ट टू फॉलो नाम के एपिसोड में डॉन बोलते हैं कि ऐश ने ऑलरेडी एक बार पॉल के साथ बैटल कर रखी है, बट सच तो यह है कि उस एपिसोड से पहले ऐश ने दो बार पॉल के साथ बैटल की थी, ना कि एक बार। और मिस्टेक नंबर 48 भी इसी सेम एपिसोड से आते हैं, जब ऐश एंड पॉल पोकेमॉन सेंटर में बात कर रहे होते हैं तो वहां पे स्टारिविया मौजूद होती है, बट जब ऐश एंड पॉल का बात करके हो जाता तो वहां से स्टारिविया गायब हो जाती है। मिस्टेक नंबर 49, तो इसी सेम एपिसोड के अंदर ऑनिक्स क्रीच अटैक का इस्तेमाल करता है एंड उसकी वजह से पिकाचू फेंट हो जाता है, यानी कि हार जाता है। बट यहाँ पे मिस्टेक ये है कि स्क्रीच मूव सिर्फ और सिर्फ एक तेज आवाज को क्रिएट करता है, ना कि पोकेमॉन को डैमेज देता है। और इस अटैक का यूज करने के बाद पोकेमॉन की एचपी तो बिल्कुल भी कम नहीं होती है, तो इस वजह से यहाँ पे पिकाचू को फेंट नहीं होना चाहिए था। और फाइनली मिस्टेक नंबर 50 भी इसी एपिसोड से आती है। इस एपिसोड में सच में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स हैं। वेल, इस एपिसोड के एक सीन में जब टीम रॉकेट फॉसिल पोकेमॉन्स के बारे में बात कर रही होती है तो वॉबफेट का साइज कुछ ज्यादा ही छोटा दिखाया जाता है, इवन यहाँ पे टीम रॉकेट भी बैठी हुई है। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दो। एम करते हैं चलो 5000 लाइक्स के लिए, होपफुली तुम लोग कंप्लीट कर दोगे। और मेरे और पोकेडॉन 2 दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चेकआउट कर सकते हो भाई हम दोनों का ही चैनल, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी ये रही हमारी आज की पोके क्विज, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।